गीत के बजावत हो गई। कौनो मेहरारू अपने मरद से कहा दबा, ओकर मरद बड़ा मंचला टाइप के रहल, रोज रोज कुछ हरकत करत रहल। एक दिन मेहरारू अपने मरद से समझावत बा, कहत का बा, ये कह ले बा, बिना सहबतिया के रह ना सकेला, हमरा के झूठा हूँ तू झांसा में रखेला। जिंदे में ही दिन देखे पर ताटे, एकरा से नीक चली जैती दखिन घाटे। एक बेर दिल के सुकून कैदा, ए राजा जी एगो खून कैदा, अपने ही हाथे हमर खून कैदा। अच्छा बाबूजी, मैं गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ी, आप सबके बीच में मनीष एल यादव ऑफिशियल YouTube चैनल के माध्यम से एक छोटा सा बिरहा भेज रही हूँ। हमें आशा नहीं, पूरा उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। हमारे कवि जी चार लाइन भूमिका में बहुत बड़ी बात लिखलन, आज के जमाना देख के। कैसे गुरु जी? आज विश्वास, आज विश्वास कैसे किसी पे करें, लोग विश्वास का खून कर जाते हैं। गैर तो गैर है, अपना ही बैर है, सारी इंसानियत को कुचल जाते हैं। रिश्ता माँ बाप का जग में अनमोल है, कर्ज माँ बाप का जो चुका ना सके। एक परिवार की मैं सुनाऊं व्यथा, बोझ माँ बाप का जो उठाना सका। आज विश्वास कैसे किसी पे करें, लोग विश्वास का खून कर जाते हैं। गैर तो गैर है, अपना ही बैर है, सारी इंसानियत को कुचल जाते हैं। कवि जी बिरहा में बहुत बड़ी बात लिखलन कि लोग इंसानियत के भूल गए बाड़न, आज अपना ही संसार में बैरी बन गया है, अपने से बढ़कर बैरी संसार में कोई नहीं है। बिरहा के अंदर गजल बा, मेरे रस के कमर तेरी पहली नजर, मेरे रस के कमर तेरी पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। गजल से बढ़िया हमरे बिरहा में भाव बा, कैसन गुरु जी? आज अपना पराया, आज अपना पराया।
क्यों हो रहा, आज अपना पराया ये क्यों हो रहा, कोई रोता रहा कोई हंसता रहा। यही से हमारे विराह के शुरुआत होत बा, कहानी कब और कैसे के बा। आई गुरुजी ललिता का छोटा सा परिवार मिला, अर्जुन वंश दो बच्चों से ही संसार खिला। शादी अंशु की हुई अपने व ससुराल गई, सुघर पति को पाके जिंदगी खुशहाल रही। कुछ दिन तब यहर जो जवान हुआ, नसड़ी बन गया पिता का अपमान हुआ। ए बाबू कहानी वे समय के बाद एक परिवार जोने परिवार के मुखिया लाल जी अपने पत्नी ललिता के साथ खुशहाल परिवार बितात रहलन। उनके दुई लड़का रहलन, लड़का के नाम अर्जू और एक लड़की रहल जेकर नाम मंसू बतावल गईल। धीरे धीरे समय व्यतीत होत बा, लड़किया सयान भइल बा, जोने लड़की के नाम मंसू बतावल गईल। एक सुघर लड़का देख के, सुंदर परिवार देख के उ लड़की के शादी हो गईल। लेकिन यार लड़कवा धीरे धीरे सयान भइल बा, गलत संगत गलत स्वभाव पाके नशेड़ी बन गईल बा। आज गांव गांव में खबर हो गईल बा कि आरजू नशेड़ी बन गईल बा, दारूबाज हो गईल बा, पिता के अपमान होए लगल। इ बात के सोच के लाल जी अपने मन में एक विचार कैलन, अगर एकर शादी हो जाई तो का पता ई सुधर जाई। अपने मन में विचार करत हुवन लड़की देखे के व्यवस्था कैलन। दूसरे गांव में पता लगा के लड़की देखत हुवन, एक सुघर लड़की मिलल बा जोने के नाम रितु बतावल गईल। आज आरजू के शादी हो गईल रितु के साथ। धीरे धीरे समय बीतीत बा, होत का बा विराह में एक लाइन गीत बा। उहे गीत के लाइन बा, आजकल मार्केट में बड़ा तहलका मचौले बा, कोनो लड़की कोनो लड़का के देख के इशारा करत बा, ओकरे हिप्पी के बखान करत बा। कहत का बा, इहे कहले बा, उड़े लफारो फारो बाहे पूरा वाईया हो, चश्मा पहिरी जा बल्ले लंगड़ाइया हो, उड़े लफर फर बहे पूरा वाइया हो, चश्मा पहिरी जा बल्ले लंगड़ाइया हो, दिलवा में गोली दागे है, रह जाऊ के ही पिया, रह जाऊ के ही पिया, ही रहुआ से है भी लागे है।
गीता गीत रहल, लेकिन विराह के अंदर भाव बा। आरजू के शादी भइल बा और होत का बा, उड़त धुआं बनी घर के कमाईया हो, घरवा में लाए जब की हलु भैया हो, उड़त धुआं बनी घर के कमाईया हो, घरवा में लाए जब की हलु भैया हो, घरवा के ई जड्डू बावेला बाबूजी के ये कही बेटा हुआ, खुलवा में दागला गावेला आखिरकार। ए बाबू, आज आरजू के शादी भइल बा, घर में नई नवेली दुल्हन आइल बा, पूरे गांव में पता चल गइल बा कि आरजू के दुल्हन बड़ी सुघर बा, मेहरारू सुंदर पाके आरजू घर से बाहर ना निकलत बा। ई देख के दुल्हनिया परेशान हो गई, कैलस की रोज रोज तू घर ही में बाड़ा और तोरे घरे में रहे से हमार खर्चा पूर्ण हो, एक बात हमार माना तो के बाहर जाए के पड़ी। कहत काबो बिरहा में एक लाइन गीत बगुरु जी, उहे गीत के लाइन बाप माहिर माही माहिर माही बेल पे तेरे बोल रहा है कागा, माहिर माही बेल पे तेरे बोल रहा है कागा, दोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागर माई, लेकिन विराह के अंदर भाव बा। आरजू के शादी भइल बा और घरे में नई नवेली दुल्हन आइल बा। आज रीतू अपने पति आरजू से कहत बा कि हमार एक ठे बात सुना, तोरे घरे में रहले से हमार खर्चा ना पूरा हुई, यही से हमार बात माना। कहत का बा, शादी भइल दुल्हनिया आइल बढ़ गईली परेशानी, दुल्हनिया आइल बढ़ गईली परेशानी, जनिया वनिया घूमई अर्जू नाही करे किसानी रे बाबू, एक दिन रितु अपने पति से कहत बा कि हमार बात सुना, तोरे घरे में बैठे रहे से हमार खर्चा ना पूरी हुई। कहत का बा, एक दिन रीतु पति से अपने कहने लगी समझाई, गांव छोड़ के शहर में पियवा जाके करा कमाई, ऐसे ना ही काम चली अब भारी भइल गलानी, ऐसे ना ही काम चली अब भारी भइल गलानी, एनिया वनिया घूमई अरजू नाही करे किसानी,
दिन रितु अपने पति से कहे लगल कि तू गांव छोड़ के शहर में जाके कमाई करा, तबे घरे के खर्चा चली। आज आरजू के रितु के बात समझ में आई बा और घर छोड़ के शहर में जाए के तैयारी कैल। जब शहर में गईल बा कुछ दिन बीतल बा, यार माई बाबू के तबियत कुछ खराब चलल बा। एक दिन माई बाबू के बुखार भइल बा, बाबू जाके उ बतहू से अपने रितु से कहत हैं कि ये बेटी कुछ रुपया दे दे तू तोरे माई के दवाई करावे के बा। इतनी बतिया सुनते ही रितु भड़क गई, कलस के हमरे पास पैसा वैसा ना बा, हम दवाई ना कराइब। हमारे एक बात माना तबे तोने लोगिन के दवाई होई, ना तो दवाई ना होई। रितु कवन बात कहले बा, बिरहा में एक लाइन गीत बम। अरे भैया भौजी घर में सुतई हम सुती दाला नवानी दिया नया हवे जगले निदिया नया हवे जगले हो जाला बिहाना मानी दिया नया हवे जगले लेकिन रितु के क्रोध आइल बा और क्रोध में आके माई बाबू से के बात कहलब। का कहलस? क्रोधवा मेरी तू कहे हथवा उठाई के ऐसे न दवाइया होई, ऐसे न दवाइया होई बोली खीसी आई के ऐसे न दवाइया होई। आखिरकार ये बाबू आज रितु अपने माई बाबू यानी सास और ससुर से एक ठो बात कहलस कि अपन खेती बारी जितना तोरे पास जमीन जायदाद बा सब कुछ हमरे नाम कर दा, तभी तो नी लोगन के दवाई होई, ना तो दवाई उवाई ना होई। इतनी बात माई बाबू जब सुनलन तो हाथ जोड़ के विनती करे लगलन कि ये बिटिया हमरे तो एक ही औलाद बा, तू अकेले ही बाड़ू, आज ना तो कल तोहरे होई, चाहे आज लेला चाहे चार दिन के बाद लेला, हमनी के कितनी उम्र बचल बा, धरती पे ज्यादा दिन हम लोग ना रहब, अगर तुहार मन बा विचार बा कि हर जमीन जायदाद जितना हमरे पास बा तोरे नाम कर दी तबे दवाई होई, तो ये बेटी हम लोग राजी बाड़ी, तू जब कहबू तब चल के तोरे नाम पे सब कुछ कर दे। बात सुन के रितु खुशी हो गई और करत का बा बिरहा में बड़ी पुरान गीत के लाइन बा। क्या बात है, क्या बात है मालिक। उहे गीत बा बियाहे में हमरे घरे के माता बहिन लोगन गावली, जब दुवारी पे दुल्हा आवेला कैसे गावली,
हाजर माड़ा जनी छा वही हाये बाबा लगी है सुरू जहवा कई ज्योति हो होतबा रितु अपने सास और ससुर से पूरा जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होतबा होत का बा घरवा दुआरा खेती बरियाली खाई लिहली बिहतल समैया ये कसाला हो होतबा एक साल के समय बीतित बा लेकिन रितु यार करत का बम सास ससुर के घर से मारी के निकाली दिहलस सास ससुर के घर से मारी के निकाली दिहलस बेटा बा भी ली हालत ना हाला हो आखिरकार ये बाबू धीरे धीरे समय व्यतीत होत बा रितु अपने सास और ससुर से पूरा जमीन जायदाद पे अपन नाम लिखवा लेलस। एक साल के समय व्यतीत भइल बा रितु करत का बा अपने पति के बुला लेत बा लेकिन बुलावे से पहले अपने सास और ससुर के धक्का मार के घर से बाहर निकाल देत बा। जोने समय बाबू और माई के धक्का मार के घर से बाहर निकललस वो माई बाबू हाथ जोड़ के बिलखत होवन रोवत होवन कि ये बेटी हम जैसे तोहार माई बाबू वैसे हमहू माई बाबू बाड़ी आज तू हमके धक्का मार के बाहर निकालत बाड़ू तोरे दया ना आवत बा हम तो सब कुछ आपन तोरे नाम कर देली अब का चाही हमनी से। वो कसाई पापी रितु एक भी बात नहीं मानती है अपने सास और ससुर के घर से बाहर से निकाल देलस लेकिन कुछ समय व्यतीत होत बा यार अपने पति और आरजू के जोन मुंबई में बा उके घर पे बुला लेत बा। जब आरजू घरे आइल बा तो एक बार भी ना पूछत बा कि हमार माई और बाबू कहाँ गइलन होत का बा विदेशिया के भाव में कहना बा। कि माही बाबू दर दर के अरे भाई ले भिखरिया हो बजर के भैली समैया ये बाबू जी जौने बेटवा के अपने अरे हथवा से सिचले हो अरे वह बेटा लिहा लेना कबहू खबरिया अभिखिया के मांगत मांगत जम्मू की सहरिया हो जहवा पे बसली बसरो मायरिया। आखिरकार ये बाबू आज माई और बाबू दर दर के ठोकर खात होगन भीख मांग के अपन जीवन यापन करत बड़न केहू सहारा ना बा। और धीरे धीरे यार आरजू और रितु करत का बड़न पूरा जमीन जायदाद जितना उनके पास रहल सब कुछ बेच के मुंबई शहर में जाके रह लगलन। समय व्यतीत होत बा और परिवार में एक नई खुशी आई। वो कवन खुशी रहल बिरहा में एक लाइन गीत बा।
बड़ी पुरान गीत के लाइन बा। खटिया के नीचे घुसल छोरावा, खटिया के नीचे घुसल छोरावा, सासु तानी बारा नाया जोरावा। आरजू और अंशु के एको औलाद पैदा भइल, परिवार में खुशहाली आ गई बा। लेकिन होत का बा? खुशिया में घूमई दोनों जानवा, खुशिया में घूमई दोनों जानवा, अरे भइल जब की गोदी में ललनावा। धीरे धीरे समय व्यतीत होत बा, धीरे धीरे बीतल बाजा साल कई समाइया, ये कदी न पिया वास बोली है लुगाई। तोहरा से ही है एक मांगनावा, तोहरा से ही है एक मांगनावा, भइल जब की गोदी में ललनावा। धीरे समय व्यतीत होत बा, आरजू और अंशु के एको लइका पैदा भइल, जोने लइका के नाम सुरेश बतावल गइल। आज सुरेश धीरे धीरे 5 साल के होत बा। रीतु अपने मन में एक विचार कइलस कि हमार लइका आज 5 साल के भइल बा, हम माता रानी से मंगौती में ले रहली कि अगर हमार लइका 5 साल के हो जाई तो माई वैष्णो देवी के दर्शन कराई। हाय रे विधाता के खेल, आज विधाता कैसन खेल खेलत बाड़न, जोने जगह माई बाबू दरदर के ठोकर खा के आज भिखारी के जीवन यापन करत बाड़न, वही शहर में ई दोनों जाए के तैयारी करत हुन। इलाहाबादी भाव बम करत का बड़न, अरे कई के मन में विचार होई गई ले तैयार, अर धैली हले डगरिया दूनौ जने, कटरा में जाई अमरल जहां बुढ़िया माई, नहीं फेरा ले नजरिया दोनों जने, आखिरकार। बाबू धीरे धीरे
आरजू अपने पत्नी रितु और बिटवा सुरेश के साथ माई वैष्णो देवी के दर्शन करे खातिर जम्मू शहर पहुंचलन। अब पहुंचलन कौन टाइम जो ने समय उबुड़िया मातारी भीख मांगत मांगत आज ओकर वृद्धावस्था एकदम आ गई। लाचार बेवस बुखार से बीमारी से तड़प के वो जम्मू शहर के माई वैष्णो देवी के सीढ़ी पे ओकर मृत्यु हो गई। और जोने समय वो माई के मृत्यु भइल बा आरजू और ओकर पत्नी रितु वही समय माई वैष्णो देवी के दर्शन करे खातिर चल दिलन। भीड़ लगल बा आरजू भिड़िया से पूछत हो एक आदमी के बुला के कि ये भैया ये भीड़ काहे लगल बा। वो बोलस कि कोनो बुढ़ापा रहल भीख मांगत रहल आज ओकर मृत्यु हो गई यहीं से लोग देखत हुवन। वो भिड़िया के हटा के आरजू जाके तनी से देखत बा और जब देखले बा तो अपने माई के पहचान गई कि ये तो हमार माई है। रितु देखत बा निगाह उठा के कि ये तो हमार सास यानी एकर माई बाड़ी। अगर ये ध्यान से देख ले हैं तो ये यहाँ से जई है ना यही से खींच के लेके गई बा। कैलस की तो हर माई ना हुई पता न कौन भिखारिन बा ये चक्कर में तू मत पड़ा हम माई के दर्शन करे चलत बाड़ी और ये लाश देखा हमनी के अशुभ बा। ए बाबू हाय रे समय आज एक माई के छोड़ के दूसर माई के दर्शन करे चलत बाड़न। बतावल गल कि दुनिया में सब कुछ सही बा सबके अपमान कर दे बा तो बर्दाश्त हो जाई लेकिन अगर माई और बाबू की अपमान हुई तो ईश्वर भी माफ ना करी हूँ। तेरी के भाव में कहना बा कि मतिया ना माई के जनले अरे माँ की लाश देख कर नहीं रुका है घटिया यरे हो घटिया यरे हो। आखिरकार ये बाबू आज माई के लाश देखकर आरजू अपने पत्नी के साथ माई वैष्णो देवी के दर्शन करे खातिर चल देलस लेकिन यार होत का बा होनी के केहू न टार पाई। आज माई वैष्णो देवी चमत्कार करत हुवन ओके फल देत बाड़िन का बिरहा में एक लाइन गीत बा कोनो लड़की अपने ससुराल गई बा और ससुराल में जाके उस ससुराल के हाल देख के आई बा अपने सखी और सहेली से कहा दबा कि हम तो सुने रही ससुरे में जाके बड़ा सुख मिलेला लेकिन हमके तो ऐसा कुछ ना मिलल कहत का बा सुन ली कि ससुर आखिरकार यार होत का बम दुधवा के कीमत नहीं बुझैया नारिया हो दुधवा के कीमत नहीं बुझैया नारिया हो चल दी है दी है चल दी है मुहावा के फिर वादा करिया हो आखिरकार ये बाबू आज रितु और आरजू अपने माई के लाश छोड़ के वैष्णो माई के दर्शन करे खातिर चल देलन। अब भैलन का धीरे धीरे 3 दिन के समय व्यतीत होत बा होत का बा पहपट में भाव बा। अरे माई के माई कैसे सही अपमनावा दुनिया जाने ले अरे माई के माई कैसे
जानली तो जैसे करबा वैसे मिली जहनवा दुनिया जानली। धीरे धीरे तीन दिन के समय व्यतीत होत बा। एक दिन रीतु अपने बेटवा सुरेश के साथ बाजार जात बा और रास्ता में एगो कार आके उ रीतु और सुरेश के दोनों के उड़ा देलस। सुरेश बेटवा तो बच गई लेकिन रीतु वही जगह पे अपन प्राण छोड़ देलस। इ खबर पाके आरजू आइल बा और हॉस्पिटल में ले जाके अपन बेटवा और रीतु के एडमिट करत बा लेकिन डॉक्टर जवाब दे देलन कि तुहार पत्नी दुनिया से चल गई लस। बेटा में जान बा लेकिन एके बचावे खातिर एकर ब्लड के जरूरत पड़ी। होत का बा आल्हा के भाव बा। अरे जेकर जैसे करनी भरनी वैसे दुनिया में बाबू भैली एक्सीडेंट रीतु छोड़ा ली जहनवा बाबू आखिरकार ये बाबू आज हॉस्पिटल में सुरेश बेटा के एडमिट कैले हूँ। डॉक्टर जवाब दे देलन कि ब्लड ग्रुप केहू से मैच ना करत बा। एक ग्रुप के ब्लड अपने पास ना बा एकर इंतजाम अगर हो जाए तो हर बेटवा बच जाए ना तो बचाए वाला ना बा। आज आरजू दर दर की ठोकर खात बा ढूंढत बा लेकिन ब्लड के पता ना चलत बा ना कतही मिलत बा। ढूंढत ढूंढत दो तीन दिन के समय व्यतीत होत बा। एक दिन भिखारी हुई हॉस्पिटल में आ गई बा। जोन भिखारी अपने पत्नी के मरला के गम में और ओकर तेरही करे खातिर ओके कुछ रुपया के जरूरत रहल। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से कहे लगल कि ए मालिक आप तो दुनिया के मालिक बड़ा हमके पैसा के कुछ जरूरत बा। मेरे शरीर से कुछ ब्लड निकालला और हमके कुछ रुपया दे दा अपने पत्नी के हमके तिरही करे के बा। डॉक्टर के भी ब्लड के जरूरत रहल उस सुरेश बिटवा के जान बचावे के रहल। ले गई लेन सारा चेकअप भइल और चेकअप में सब कुछ ठीक ठाक निकलल बा। ले जाके उ भिखारी के ब्लड निकाल के सुरेश लैका पे चढ़ा देलस और आरजू से ये बात बता देलस कि तोरे लैका के ब्लड के जरूरत रहल एक भिखारी दान देले बा ओके रुपया के जरूरत बा तू रुपया जाके ओके दादा और तोरे बेटवा के जान बच गई बा। आरजू जाके रो करके डॉक्टर के गुड़वा पे गिर पड़ल कि ये प्रभु आप तो दुनिया के मालिक बड़ा उ इंसान के बा उ भगवान के बा जे हमरे बिटवा के जान बचो ले बा ओकर दर्शन हम करे चाहत है और अपने हाथ से ओके रुपया दे भाई। उ रूम से बाहर आइल बा उ भिखारी दरवाजे पे इंतजार करत बा। जोने समय आरजू उ भिखारी के दिखले बा पहचान गईल कि तो हमरे बाबूजी होवन। जाके पैर पकड़ के रोवे लगल कि ए बाबू हमसे बहुत बड़ी गलती भइल बा हमके माफ कर दा आप हमरे लैका के जान बचौला उ तोहार नाती बा। रो रो के एक बात कहलब खड़ी में कहना बा
दे के लहू तुझे के यौला उबा तोहरा नाती। अरे पत्नी री तू साथ छोड़ गई आ दुख से फाटे छाती। अरे जिंदगी हमरो हो गई ले बेपानी बाबूजी। अर्जुन रोर के कहे लगल कि ये बाबू आज हमार पत्नी हमार साथ छोड़ देले बा और जेके तू खून देला उहे तो हर नाती बा। अपने नाती के जान बचा के हमरे ऊपर बड़ा उपकार कैला, हमसी बहुत बड़ी गलती भइल बा, हमके माफ कर दा। बाप के करे जा बेटवा कितनो भी गलती करी लेकिन बाप जरूर माफ करी। एक बात और कहलस काम बेटा तोहरी माई हमके गईली बिसराई। अरे सब जानत बाटी बापू हमें ना बताई। अरे जानत बाटी सगरो कहानी बाबूजी। अरे माफ कैदा जमन हो गई ले गलानी बाबूजी। बाबूजी बतावे लगलन कि ये बेटा तोहर माई हमार साथ छोड़ देले बा, जेकरे तेरे ही खातिर हम रुपया इकट्ठा करत रहली। आरजू कहे लगल कि ये बाबू हमके सब पता बा, हम जानत है कि माई हमार साथ छोड़ देले बा, यहीं से हमसे बहुत बड़ी गलती भाई बा, हमके माफ कर दा और साथे हमरे लौट चला अपने घरे। आखिरकार हमरे बिरह के शीर्षक राख जेकर जैसे करनी वैसे भरनी। सच्चाई बा कि जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। बिरहा में आखिरी भाव बा गुरु गणेश गुरु राम लाल डूब गए हैं गम से। अरे कथन करे गया कभी आंसू बहे कलम से। मतिया ना माई के जनले ज्योति गया कभी के का देखबायो कती।